सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कि आखिरकार स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, स्ट्रक्चर किसकी रहती है? स्पर्म की रहती है। तो देखिए टोटल स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, टोटल चार पार्ट्स होते हैं। वो चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट आ जाता है आपका हेड, सेकंड वाला जो पार्ट आ जाता है वो पहला पार्ट हेड आ गया, सेकंड पार्ट नेक आ गया, थर्ड वाला पार्ट मिडल पीस आ गया और फोर्थ नंबर वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? टेल आ जाता है। इन सबका अपने अंदर एक एक रोल रहता है, उस रोल को अपन देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर किसकी होती है? स्पर्म की ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें टोटल चार पार्ट है जो अपन ने बात कर लिया, हेड वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट, मिडल पीस वाला पार्ट एंड टेल वाला पार्ट। अब ये जो हेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इस हेड वाले पार्ट के अंदर आपको दो चीज देखने को मिल रही होगी। पहली चीज आपको देखने को मिल रहा होगा एक्रोसोम और सेकंड चीज आपको देखने को मिल रही होगी न्यूक्लियस। अब देखिए हेड के टोटल कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। और हेड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर रहती है ओवल के जैसी, मतलब अंडे के जैसे। देखने में क्या लग रहा है आपको? ये एक लग रहा है, मतलब एग के जैसी क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट न्यूक्लियस होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है आपका? एक्रोसोम होता है। अब इन न्यूक्लियस का एक्रोसोम का क्या रोल रहता है, इस स्पर्म के अंदर क्या रोल इसका रहता है? तो सबसे पहले बात करें कि न्यूक्लियस का इसके अंदर क्या रोल रहता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इसके अंदर क्या रखता है? जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस रहता है ना, इसके अंदर क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके रूप में रहती है? डीएनए के रूप में क्या रहती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। और ये जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस क्या होता है? हैप्लोइड होता है। याद रखना है न्यूक्लियस कैसा होता है? हैप्लोइड होता है, मतलब इसमें कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोसोम कितने रहते हैं? 23 रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्पर्म रहता है उसके अंदर भी 23 रहते हैं और जो फीमेल का जो ओवा होता है, ओवम होता है, उसके अंदर भी 23 रहते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से ही क्या बनता है? जायगोट बनता है, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब मेल का जो स्पर्म होगा उसके अंदर भी 23 मतलब क्या रहेंगे? क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। और जो फीमेल का ओवा होगा, ये दोनों क्या करेंगे? क्योंकि स्पर्म का काम क्या रहता है? फीमेल के ओवा को क्या करना? फर्टिलाइज करना, जिससे क्या बनता है? जायगोट बनता है, जो क्या होता है? 46 क्रोमोसोम, मतलब एक पूरा का पूरा क्या बन गया? अपन बोल देते हैं ह्यूमन बीइंग बन गया। अब देखिए क्रोमोसोम, ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या था? कैरी क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में। साथ में क्या होता है? ये हैप्लोइड रहता है। इसमें कितने रहते हैं? 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, 23 गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड अपन बात कर लेते हैं एक्रोसोम की। तो जो एक्रोसोम होता है ना, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? एक्रोसोम बना होता है गोल्जी बॉडी में, मतलब गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन से क्या बनता है? आपका एक्रोसोम बनता है। तो पूछ लिया जाए कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ है? गोल्जी बॉडी से हुआ है। अब जो एक्रोसोम रहता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है? तो एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है स्पर्मी लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है। लाइसिन वर्ड से मतलब क्या आ गया? जहां पे भी लाइसिन मतलब आ जाए, वर्ड आ जाएगा, वो क्या करेगा? किसी भी चीज का क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। तो जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम रहता है ये किसमें प्रेजेंट रहता है? जो एक्रोसोम, जो आप रेड कलर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका काम रहता है कि जो फीमेल का जो ओवा होता है, क्योंकि आपको पता है फीमेल का ओवा क्या है? एक सेल। तो इसके अंदर चारों ओर क्या रहेगी? कवरिंग भी रहेगी, मेम्ब्रेन भी रहेगी। तो इस मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये डिसॉल्व करने का काम रहता है स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम होता है, एक तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो इसका काम क्या रहता है? ये डिसॉल्व करता है फीमेल की जो एग मेम्ब्रेन होती है, जो अपन ने बात की थी कि ये क्या रहता है। ये देख लीजिए, ये अपना क्या है? स्पर्म है। ये क्या है? मेल का स्पर्म है। और ये क्या है? फीमेल का ओवा है। क्या है? एग है। इस एग की ये वाली जो आप कवरिंग देख रहे हैं, बाहर वाली ये जो कवरिंग है, ये जो मेम्ब्रेन है, जोना पेला सुडा वगैरह होगी, इनको क्या करता है? इनको ब्रेक करके क्या करता है? ये स्पर्म होता है, ये अंदर जाता है। ये स्पर्म क्या चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। और अंदर जाके जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ये क्या करेगा? अपनी भी ये जो दीवार होगी इसको क्या कर देगा? ये क्या है? लाइसिन है। तो ये अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसको भी डिसोल्व करके, फीमेल की जो आउटर कवरिंग रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, इसको भी करके अंदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो आपका क्या चला जाएगा? फीमेल के ओवा के अंदर चला जाएगा। तो इससे एक्रोसोम का जो मेन फंक्शन रहता है वो एक्रोसोम का ही रहता है। इसका काम रहता है ये जो आउटर जो कवर मेम्ब्रेन होती है एग की, उसको क्या करता है? डिसोल्व करने का काम रहता है। अब ये जो पूरी की पूरी जो आप जो स्पर्म रहता है इसके ऊपर क्या रहता है? जो क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कवर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात तो अपन ने कर ली हेड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट आ जाता है अपना नेक वाला पार्ट। तो जो नेक वाला पार्ट होता है, देखने एकदम सबसे छोटा,
तो पूछ लिया जाए कि स्पर्म का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा होता है, नेक वाला पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, स्पर्म का। अब इसके अंदर इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म ये जो नेक है, इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट रहती है, दो क्या रहते हैं, सेंट्रियोल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। आप दो सेंट्रियोल्स देख रहे होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं। ऊपर वाले सेंट्रियोल्स को तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और नीचे वाले सेंट्रियोल को बोल देते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। अब इन दोनों का काम क्या रहता है, तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है ना, ये क्या करता है, जब क्लीवेज स्टार्ट करने के अंदर क्या रहता है, इसका रोल रहता है। मतलब जब क्या होगा, जो एग रहेगा वो एग क्या होगा, जब ये एग क्या होगा, फीमेल के ओवा को पार करके क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो क्या करेगा, अब इसके अंदर जो क्लीवेज की प्रोसेस होगी वो कौन करवाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स इसके अंदर स्टार्ट करवाता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या रहता है, ये क्या करता है, जो क्लीवेज डिविजन है वो क्या करवाता है, फर्टिलाइज एग के अंदर करवाता है। जैसे ही एग क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, उसके अंदर जो क्लीवेज की प्रोसेस है वो कौन कराता है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इसका काम ये रहता है। तो इसका काम आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का स्पर्म के अंदर क्या काम रहता है, ये क्या करता है, क्लीवेज स्टार्ट कराता है फर्टिलाइज एग के अंदर। साथ में जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इसका काम क्या रहता है, तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, एक्सियल जो फिलामेंट्स है इनका फॉर्मेशन करता है। दैट्स क्लियर, ओके। ये दो पार्ट अपन ने कवर कर लिए, तीसरा पार्ट आ जाता है अपना मिडल पीस। तो जो मिडल पीस वाला या जो बीच वाला आप पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर क्या रहता है, मिडल पीस के अंदर बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रियास है, आप ये जो स्ट्रक्चर इस तरह के देख रहे हैं, इसके अंदर क्या रहता है, इस तरह से क्या रहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियास है ये क्या रहते हैं, स्पाइरल रूप के अंदर, स्पाइरल रूप के अंदर क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियास बहुत सारे गुच्छे के रूप में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है निबेन कर्ण बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, निबेन कर्ण बोला जाता है। और ये जो निबेन कर्ण रहते हैं ना, इनका काम रहता है, ये क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आप सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या, एक पावर हाउस है। तो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म कौन रहता है, तो पावर हाउस ऑफ स्पर्म कौन रहता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या रहता है, ये क्या करता है, मिडल वाला जो पार्ट रहता है ये क्या करता है, स्पर्म होता है ना, इसको क्या करवाता है, गति। मतलब अब भाई स्पर्म आगे जाएगा, आगे जाएगा तो गति करेगा, तो गति करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एनर्जी कौन देता है, ये जो मिडल पीस वाला रहता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको मतलब बहुत सारे कॉलोनी के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, निबेन कर्ण इनको बोल दिया जाता है। और ये क्या कराते हैं, जो निबेन कर्ण रहते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। मतलब जब स्पर्म मूवमेंट करता है उस टाइम इनको एनर्जी क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है इनको, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। तो पावर हाउस ऑफ स्पर्म किनको बोला जाता है, निबेन कर्ण, या अपन बोले माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्म के अंदर पावर हाउस ऑफ स्पर्म किसको बोला जाता है, तो निबेन कर्ण को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अपना फाइनल पार्ट आ जाता है टेल वाला पार्ट। टेल वाला पार्ट होता है स्पर्म का सबसे लंबा पार्ट होता है। तो दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने, यदि पूछ लिया जाए कि स्पर्म का सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा होता है, नेक वाला पार्ट होता है, और सबसे लंबा वाला लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, टेल वाला पार्ट होता है। तो टेल क्या है, सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, और साथ में ये रिस्पॉन्सिबल रहता है मूवमेंट के अंदर। स्पर्म को सबसे ज्यादा क्या करवाता है, ये जो टेल रहती है इसके कारण स्पर्म क्या करता है, जल्दी से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये थी स्पर्म के स्ट्रक्चर, इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि स्पर्म के टोटल चार पार्ट होते हैं, चारों पार्टों का क्या क्या फंक्शन रहता है, और इसकी स्ट्रक्चर आपने देख ली। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।